वेलकम श्यामदीद, आपका सीक्रेट मेरे चैनल के व्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट माय इंट्रो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कुरावाती का आइडिया। कुरावाती कहते हैं एक ज़बरदस्त सा आइडिया। आज हम बनाएंगे मोल्ड्स, कैंडल्स के बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे। हम कैंडल्स के बाहर लगाने वाला रखने वाला मोल्ड बनाएंगे। हम उससे ले लिया प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस हम बनाएंगे। आपने एक जग में पानी ले लेना है और उसके अंदर प्लास्टिक ऑफ पेरिस डाल देना है जितना भी आपको चाहिए। ये नहीं करना कि टैप ओपन किया और बीच में प्लास्टिक ऑफ पेरिस डाल दिया, फिर तो सारा नीचे ही जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बनेगा। चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहुत हो गया मजाक, थोड़ा थोड़ा मजाक वही करते हैं, इतना तो अब बनता है हमारा भी। फिर हमने प्लास्टिक ऑफ पेरिस डाल दिया और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास एक एमरजेंसी में आइडिया आया था, एमरजेंसी में ऑर्डर आया था मेरे पास। तो दरअसल ना बोल बोल के ना तो कभी कभी भूल भी जाता है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलती तो हो ही जाती है, इंसान है भाई, गलती तो होगी। यहाँ हमने डाल दिया प्लास्टिक ऑफ पेरिस। हमने उसको एमरजेंसी ऑर्डर था तो हमने उसको मोटा रखना था, उसको जल्दी ड्राई करना था, तो हमने उसको ज़्यादा डाल दिया। और हमने उसको इतना मिक्स नहीं किया कि ताकि वो पतला ना हो जाए, हमने उसको मोटा मोटा ही रखा है। और अब आपने उसको साइडों से भी साफ़ कर लेना है और उसको अच्छे से आपने उसको मिक्स करना है ताकि बीच में जो मोटे मोटे रह जाते हैं, मोटा मोटा बन जाता है बीच में, समझ गए हो, फिर जो बीच में बबल्स वगैरह भी बन जाते हैं तो वो भी हमारे ना बने, अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने उसको मज़ीद मोटा करने के लिए हमने बीच में डालेंगे एक ग्लू। हमने उसको बीच में ग्लू डाल दिया, थोड़ी सी ही डालनी है, ज़्यादा भी नहीं डाल देनी। हमने उसको ले अंदर बीच में हमने थोड़ी सी ग्लू डाली और हम अब इसको भी मिक्स करेंगे। जब तक हम ग्लू डालते हैं और मिक्स करते हैं तब तक चैनल को कर दे लाइक, कर दे शेयर, कर दे सब्सक्राइब, कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे जैसे कि आप केक बेक करते हैं, तो हम जब उसको मिक्सचर को जब हम उसको फेंटते हैं जब हम उसको, तो इसी तरह ही आपने इसको भी कर लेना है। तो ये देखिए हमारा थोड़ा सा मोटा मोटा है। अगर आप जैसे हम डाल रहे हैं तो आपको तो समझ आ ही रही होगी। और ये मोल्ड्स हमारे पास रेजिन के थे तो हमने यही आइडिया, कुरावाती आइडिया सोचा क्यों ना कि हम रेजिन के मोल्ड्स के अंदर ही प्लास्टिक ऑफ पेरिस के मोल्ड बना लिए जाएं ताकि इसके अंदर कैंडल्स रखते हैं। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि ऐसा आपने कोई बॉक्स कैंडल बना दें, मुझे ऐसे बॉक्स बना दें जिसके अंदर मैं कैंडल रखूँ तो मैस क्रिएट ना करें, क्योंकि कैंडल्स जब वो पिघलती हैं, उसका मोम जब पिघलता है, जब कैंडल्स पिघलती हैं तो वो मैस क्रिएट करती हैं और नीचे गिरती हैं, इधर उधर गंद डाल जाता है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि साइड पे गंद ना आए। अब हमने डाल दिया बीच में प्लास्टिक ऑफ पेरिस और हमने उसको अच्छे से अंदर तक भी ले गए और उसको हिला के ताकि वो अंदर कॉर्नर्स में भी चले जाए। अब हमने उसके डाल दिए कैप्स के अंदर और ये हमारे पास आया थर्ड कैप। तीन मोल्ड्स हम बनाएंगे। आपने अच्छे से उसको डाल देना और लाइटर की हेल्प ज़रूर लेनी है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बोला लाइटर ज़रूर यूज़ कीजिएगा उस, ताकि जो अंदर बबल्स वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं जो थोड़े बहुत रह चुके होते हैं। तो आपने इसके ऊपर डालते साल ही इसको ऊपर से स्मूथ कर लें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। बाद में करने से ज़्यादा मुश्किल होती है कि आप उसको बाद में स्मूथ करने बैठो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसीलिए आपने पहले ही साथ साथ काट लेना है। और आपने किसी भी मैंने छोटी सी भी ले लिया, मैंने ड्रमस्टिक की मैंने तीली ले ली है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चलो कुछ भी कहते हैं, तो वो हमने ले लिया और उससे हमने कॉर्नर्स के अंदर तक भी ले गए और उसी से हमने स्मूथ कर लिया ऊपर से, उसको प्लेन कर लिया ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। और जल्दी कर लेना आपने, मेरी तरह ये नहीं करना कि डाल कर तो भूल जाना। मैं डाल कर भूल गई हूँ दो कैप्स के अंदर, हार्ट और रेक्टेंगल के अंदर मैं डालकर भूल गई उसके, या रेक्टेंगल पता नहीं क्या कहते हैं, मैं थोड़ा मैथ कमज़ोर है तो मैंने उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर मैं डाल के भूल गई थी और वो उधर ही ऊपर ही ड्राई हो चुका, क्योंकि मैंने तो उसको मोटा रखा था तो मैंने जल्दी ड्राई करना था, तो मैं डालते डालते ही ऊपर वो ड्राई हो गया था। तो फिर मैं कुछ काट नहीं थी सकती तो मैंने सोचा चलो बाद में इसको ऊपर से स्मूथ कर लिया जाएगा जब ये हल्का हल्का ड्राई हो रहा होगा। आपने उसके हर एजेस में डाल लेना, जब तक मैं हर एजेस में डालती हूँ। अब तो मेरी वीडियो भी ख़त्म होने वाली है, अब तो मेरे मोल्ड भी बन चुके हैं, तो काइंडली अब तो लाइक कर दे, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करें कि किस किस को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है।
अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी ऑर्डर कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बना दूँगी। अगर नहीं तो आप घर बैठे हुए भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। लेकिन हर काम करने से पहले इंसान की सेफ़्टी बहुत ज़रूरी होती है, सेफ़्टी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, आपको कोई इफ़ेक्ट्स ना करे कोई भी चीज़। तो सेफ़्टी सबसे पहले चीज़ है। अब ज़िंदगी है तो कुछ काम करना है ना, तो अपनी सेफ़्टी ज़रूरी करिएगा। अब हमने उसको ड्राई करने के लिए रख दिया है, हमने जब उसको थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा था तो हमने उसको दोबारा से ऊपर लाइटर कर लिया ताकि जो थोड़ा बहुत बबल्स मुझे नज़र आ रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएं। और उसको अच्छे से आपने नीचे भेजना है, क्योंकि तब ये ड्राई होता जाता है तो वो नीचे बैठता जाता है और वो कम हो जाता है, तो इस वजह से आप इज़िली ऊपर डाल भी सकते हैं। ये मेरे ऊपर से रह गया था, मैं भूल गई थी, तो इस वजह से मेरे ऊपर से मैंने कहा चलो अब गिल्ला गिल्ला गया तो मैं ऊपर से अभी भी उठा लेती हूँ। मेरे ऊपर से थोड़ा कम कर लिया और आपने वो थोड़ा कम कर लेना ताकि वो नीचे भी नहीं, इतना भी नहीं डालना कि वो नीचे गिरता जाए, और इतना कम भी नहीं डालना कि जब वो ड्राई होकर नीचे बैठे तो वो बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल ही थोड़ा सा हो जाए। चलें अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद इसका देखते हैं हम फाइनल लुक। कौन कौन चाहता है इसका फाइनल लुक देखने के लिए? लेकिन फ़ाइनल लुक देखने से पहले तो हम इसको बाहर भी निकालेंगे और बाहर निकालते हुए दिखाएंगे भी। अब हमारे पास थोड़ा सा रह गया था मिक्सचर, हमें ज़ाया करने की बजाय हमने सोचा कि चलो हम इसका भी कुछ बना लिया जाए। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका था, मैंने आपको बताया थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है क्योंकि हमने मोटा रखा था, तो हम इसे थोड़ा पानी डाले ताकि वो जो थोड़ा सा हमारा है वो भी ख़त्म हो जाए। और फिर हमारे पास एक हैंड मोल्ड था तो हमने सोचा इसी के अंदर क्यों ना डाल लिया जाए, क्योंकि ये वाहिद था जिसके अंदर ये सारा कुछ पूरा आ सकता था, सारा जितना भी मिक्सचर रह गया था इसी के अंदर ही पूरा आ सकता था। फिर हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके भी एजेस में, इसके भी कॉर्नर्स वगैरह में अच्छे से हम इसको डाल देंगे ताकि अगर हमारा हमने बनाया है तो अच्छा बने, ख़राब ना हो, हमारा वेस्ट ना जाए तो अच्छा बन जाए हमारा ये भी। तो ऊपर से हमने इसको स्मूथ कर लेना। और ये देखिए ये मेरे रह गए हैं ना दो, क्या आप लोग से बातें करते करते मुझे इतना भी याद नहीं रहता। चलिए अब इसको निकालते हैं, ये तो हमारा हो गया मोए मोए, हमारा प्रोग्राम जो है वो वर चुका है। मैंने आपको कहा था ध्यान से निकाल लीजिएगा तो मैंने खुद ही ध्यान से नहीं निकाला। चलो कोई बात नहीं, इतना तो बनता है। अब तीन बनाए हैं, एक तो टूटे गई। अब ये हमारे पास हार्ट शेप है, प्लीज़ एलर्जी इसको अच्छे से निकाल देना। ये हमारा निकल गया एक अच्छा सा, और वो थोड़ा थोड़ा कॉर्नर से जो है वो टूट चुका था तो मैंने उधर दोबारा से थोड़ा सा लगा कर तो मैंने उसको बना लिया। और इसका देखिए कितने प्यारे स्मूथ स्मूथ एजेस हैं। थोड़ा थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो ही जाती है, पहली दफ़ा अगर बनाया जाए तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो जाती है, किसी भी इंसान से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बन सकती, इसीलिए मेरे से भी नहीं बनी। लेकिन जितनी भी बनी है अच्छी बनी है, पहली ट्राई तो अच्छी थी। अभी हमारे पास आ जाता है थर्ड वन, क्योंकि फर्स्ट ट्राई तो हमारा टूट चुका है, सेकंड भी हमारे पास बिल्कुल ठीक था, और ये थर्ड वन यही दो कैप्स है जिनके नीचे से रह गया था, तो अब मैं इनको नीचे से भी ख़त्म कर दूँगी किसी भी नाइफ़ की मदद से, किसी भी लेजर्स की मदद से। तो आप इसको नीचे से उतार सकते हैं ईजीली, जब तब उतार सकते हैं जब ये हल्का हल्का ड्राई हो रहा होगा, जैसे कि अभी मैं इसको उतार सकती तो ईजीली ये उतर जाएगा, इसके बाद नहीं तो मुझे इसको रगड़े ही मारना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। उससे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके, इसी तरह से कुरावाती आइडियाज़ आपको मिल सके। टाटा, अल्लाह हाफिज़।